कल देर रात्रि थाना बरदा अंतर्गत एसओजी टीम, एसओ तरवा और एसओ बरदा की टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें इस अपराधी को दाहिने पैर में गोली लगी है। इसका नाम पंकज यादव, पुत्र रमाकांत यादव, कोटिया थाना रानी की सराय का रहने वाला है। यह दिनांक 28/29 नवंबर की रात को थाना तरवा अंतर्गत एक लेखपाल और उनकी पत्नी का मर्डर कर दिया गया था। उस घटना में पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत करते हुए घटना का अनावरण किया गया था। ये उसमें मुख्य आरोपी था और अब तक वांछित चल रहा था। इसी मुकदमे में इसके ऊपर डीआईजी रेंज आजमगढ़ के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल इसको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस, 4 खोखे और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। प्राथमिक पूछताछ में इसने उस घटना में अपनी संलिप्तता के बारे में पुलिस को बताया है। इसने बताया कि जो मृतक हैं उनकी पुत्रवधू के कहने पर उसकी सांठगांठ से इसने घटना कारित की थी। जो लोग इसमें घटना में इसके साथ शामिल रहे हैं उनकी भूमिका के बारे में भी इसके द्वारा बताया गया है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है। इस एंगल पर भी इससे पूछताछ की जा रही है कि घटना के बाद जब से फरार था इस दौरान इसको शरण देने वाले लोग कौन थे, कौन लोग ऐसे थे जिनके द्वारा आर्थिक रूप से इसकी मदद की गई, इससे पूछताछ के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अब तक पुलिस के द्वारा कुल 8 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। एक व्यक्ति अभी इसमें फरार है, बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल रहे, जो भी इसको शरण देने में शामिल रहे, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी।